मेरी झोपड़ी के अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय मुंबई के दहिसर में भगवान श्री राम के भक्तों में 75,000 लड्डू बनाकर प्रसाद के रूप में बांटने की जोरदार तैयारी यह देखिए रमेश भाई शाह एवं उनके परिवार के लोगों द्वारा किया जा रहा है। सभी लोग यहां पर लड्डू बनाने में जुटे हुए हैं। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी रमेश भाई शाह को मिला हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के मुंबई उपाध्यक्ष रमेश भाई शाह आडवाणी जी की रथ यात्रा एवं अयोध्या में कार सेवा भी कर चुके हैं। इस मौके पर उपस्थित रमेश भाई शाह, केतन पंड्या, मुकेश शाह, प्रवीण सिंह एवं शाह परिवार के अन्य सदस्यों ने बातचीत में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। सर दोस्तों हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे लड्डू बनाया जा रहा है। श्री राम अयोध्या में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव चल रहा है उसी को लेकर यहाँ पे जश्न के रूप में अयोध्या में प्रसाद के लिए भेजा जाएगा 1 लाख लड्डू यहाँ पे बनाया जा रहा है। RSS और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए रमेश भाई शाह जो हैं एक कार सेवा भी कर चुके हैं और जब अयोध्या में नींव डाली गई थी राम जन्मभूमि की उस समय भी इन्होंने लड्डू बनाकर प्रसाद के लिए भेजा था और आज भी रमेश भाई शाह यहां से लड्डू बनाकर 1 लाख अयोध्या के लिए प्रसाद के रूप में भेजने वाले हैं। रमेश जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये आपके मन में विचार आया कि लड्डू यहाँ पर बना के भेजा जाए? मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक था, 35 साल की उम्र में मैंने विश्व हिंदू का काम चालू किया। मुझे याद है जब 1990 में या तो 88 में हम लोग जब बोलते थे मंदिर वही बनाएंगे सौगंध राम की खाते हैं, हम 20-25 लोग लेके ऐसे घूमते थे, लोग हमको हंसते थे कि क्या ये 20-25 लोग लेके घूम रहे हैं। लेकिन कारवा बनता गया, हिंदू समाज जुड़ता गया, सनातनी जुड़ते गए, धीरे 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 आपने देखा होगा कि भव्य मंदिर आ गया। सारा हिंदू समाज जब जुड़ता है दुनिया की कोई ताकत उसको कुछ नहीं कर सकती है। मैं यही कहूँगा कि सब हिंदू समाज जुड़े रहो, सारा सनातनी आप जुड़े रहो, आप बिखर मत जाओ। आप अगर बिखरोगे नहीं तो 100% आप यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बना पाओगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसे बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं कि जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो बीजेपी का इवेंट है, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें बीजेपी का क्या रोल है, सारे हिंदू इसमें जुड़े हुए हैं और वहाँ अयोध्या का न्यास जो है एक स्वतंत्र ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ने सभी लोगों को निमंत्रण दिया हुआ है। बीजेपी का कोई, हाँ बीजेपी के लोग मानने वाले लोग हमसे जुड़े बात बराबर है, कोई भी जुड़े हमसे, हिंदू समाज को मानने वाले कोई भी जुड़े। राम भगवान तो सबके बताए जाते हैं, राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जो सबके हैं, तो इसमें बीजेपी के सिर्फ भगवान राम कैसे हुए, उनका इवेंट कैसे हुआ है? ये गलत बोलने वाले एकदम गलत है ना, बीजेपी का इवेंट है ही नहीं है ये इवेंट बोलने वाले एकदम गलत है, ये इवेंट है ही नहीं। मुझे आश्चर्य की बात, मुझे दुख इस बात का है, यह मंदिर बनाने के लिए कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, कोई क्रिश्चियन विरोध कर रहे हैं, कुछ हिंदू जो तकवादी हिंदू है समझे कि नहीं, और जो लघुमत के लिए जो वोट मांगने के लिए जो रो रहे हैं वो सब विरोध करें, और कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये लड्डू आप कब भेजने वाले हैं जो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं अयोध्या में, कब लड्डू आपके यहाँ से जाने वाले? यह लड्डू मैं अयोध्या नहीं भेजने वाला हूँ, यह लड्डू मैं यहीं के लोगों को प्रसादित रूप से बांटने वाला हूँ, दहिसर के लोगों को, बोरीवली के लोगों को, कांदीवली के लोगों को, मलाड़ के लोगों को, भाईंदर के लोगों को, यह अलग अलग जगह पर मैं अलग अलग किधर 50-100 ऐसे में बांट के ये लड्डू बंटवाने वाला हूँ। भगवान राम की उधर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उनके जश्न में आप लड्डू को मुंबई में बंटवाने वाले हैं? इसको भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय मैं तो वहाँ आऊँगा, क्योंकि मेरा एक सौभाग्य रहा है कि वहाँ का निमंत्रण मुझे मिला है तो मैं तो वहाँ रहूँगा, लेकिन बाकी लोग जो मेरे कार्यकर्ता है वो यहाँ ये सारे 51 लड्डू यहाँ पे लोगों को प्रसाद रूप से बांटेंगे। आप कुछ बता रहे थे जो अच्छा यहाँ पे वितरण हो रहा था उसको लेकर क्या बातें कही जा रही हैं, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक घर घर अक्षत अभियान चला निमंत्रण, और 15 जनवरी के बाद जो 7 दिन बचे उस सात दिन में हमने जब अक्षत देने गए लोगों से तो यही कहा कि आने वाली 22 तारीख को अपने घर के आगे 5 दीप जलाना, शाम के समय फटाकरी फोड़ना और मिठाइयाँ बांटना। इस मिठाई में से भी उसी बस्ती में जाने वाली है जहाँ जहाँ दहिसर में गणपत पाटिल नगर हुआ, वीर संभाजी नगर हुआ, कांदरपरा हुआ, नवागांव हुआ, ऐसे सब बस्तियों में ही सरने भेजने वाले हैं अलग अलग पॉइंट पर, और आने वाली 22 तारीख को सभी मंदिरों में स्क्रीन लगाया जाएगा जिस पर डायरेक्ट लाइव दिखाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था संगठन के माध्यम से हुआ है। क्या कहना है यहाँ पर जो लड्डू बनाए जा रहे हैं उसको लेकर कैसा उत्साह है? हमें बहुत खुशी है कि हम लड्डू बना रहे हैं, 22 तारीख को हम घर घर दिया जलाने वाले हैं और दिवाली जैसा माहौल यहाँ पे होने वाला है,
इसके लिए हम बहुत खुश हैं और इसे एक त्यौहार की तरह मनाने का सोच रहे हैं। क्या कहना है, लड्डू बना रहे हैं आप लोग, बहुत उत्साह है और भक्तों में वितरण किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ये लड्डू बनाने का मौका मिला, हमको ये 1,00,000 लड्डू फ्री में बांटने का मौका प्रभु राम ने दिया हमको, कि प्रभु राम आज 450 साल बाद उसकी जगह पे जा रहे हैं। जो छोटी सी झुक्की झुपड़ी में थे, वो जो तंबू में थे, अभी वो उनके महल में जा रहे हैं। वो जो तो वही हिसाब से पूरी दुनिया सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया दिवाली के रूप में इसको, ये त्यौहार को मनाएगी। और उसमें हमारा सौभाग्य, हमें लड्डू बनाने का मौका मिला और उसको फ्री में बांटने का भी मौका मिला हमें। क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को आप? बस मैं सभी को ये संदेश देना हो, ये त्यौहार धामधूम से मनाओ। राम प्रतिष्ठा का उत्सव पूरा विश्व का है, खाली भाई ने बताया वैसा, खाली भारत का नहीं, पूरा विश्व में मनाएंगे। तो सब उसी दिन जय श्री राम बोलेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और दिवाली मनाएंगे। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे, रमेश जी का जो प्रयास चल रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, पहले भी उन्होंने भेजा था, अब भक्तों के यहाँ पे बांटेंगे, क्या कहना आपका? अभी रमेश भाई ने जब भी मंदिर का भूमि पूजन हुआ तभी भी 2,200 किलो पेड़ा बांटा था और अभी 1,00,000 पेड़ा बांटने का है, उसमें 51,000 फ्री बांटेंगे और 51,000 जो पेड़ा है 1 किलो के सामने 1 किलो देंगे। और रमेश भाई, उनको पूरी टीम, केतन भाई और भाई श्री लखन गणेश, उनको धन्यवाद देता हूँ कि इसे अच्छे काम में मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं उनको जय श्री राम और धन्यवाद देता हूँ। तो आप देख रहे थे रमेश भाई शाह और उनकी पूरी टीम 1,00,000 लड्डू बना रही है, जो प्रसाद के रूप में प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे मुंबई में वितरण किया जाएगा। इसके पहले भी वो अयोध्या भेज चुके हैं इन लड्डुओं को और राम कार सेवा से वो शुरुआत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आडवाणी जी की रथ यात्रा हो या बाबरी ढांचा के समय उन्होंने कार सेवा किया, और ऐसे अवसरों को वो हमेशा याद करते रहते हैं। और आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो उसको लेकर उनमें एक उत्साह है। और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कारीगर लड्डू बना रहे हैं, जो लड्डू अयोध्या के भक्तों को भेजे जाएंगे।